धार्मिक नगरी बक्सर में पौराणिक स्थलों की महिमा को समेटे हुए धर्म नगरी बक्सर के पंचकोसी मेला का दूसरा पड़ाव है नदाव स्थित नारद आश्रम। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी श्राप के कारण महर्षि नारद मुनि का मुख बंदर का हो गया था, जहाँ प्रभु श्री राम ने आकर यहाँ के तालाबों में स्नान किया और नारद मुनि को उस श्राप से मुक्त किया। इतना पवित्र स्थल होने के बावजूद यह पवित्र स्थल भी प्रशासनिक उदासीन का शिकार बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालु पहुँचकर सत्तू मूली भी खाते हैं, जैसे श्रद्धालु खिचड़ी का भी प्रसाद खाते हैं। यह मान्यता कई वर्षों से चली आ रही है। नारद मुनि जी का आश्रम था, नदाव में ही वो श्रापित हुए थे। नारद जी एक छोटी सी भूल के कारण बंदर बन गए थे। शास्त्रों के अनुसार नारद जी विश्वमोहिनी के सौंदर्य के चक्कर में पड़ गए थे। दूसरी बार हिमालय में तपस्या के दौरान एक सुंदरी के चक्कर में फंस गए। उनकी तपस्या भंग हो गई, उसी समय उनको बानर मुख का श्राप मिल गया। इस श्राप से मुक्त होने के लिए नारद जी को बक्सर की धरती पर तपस्या करनी पड़ी, जो वर्तमान में नदाव के नाम से प्रसिद्ध है। ये बक्सर ऐतिहासिक स्थल है और सतयुग त्रेता द्वापर से सबसे प्राचीन ये हमारा सिद्धाश्रम बक्सर है। जब धरती पर कोई सृष्टि नहीं थी तब का ये सिद्धाश्रम बक्सर, तदुपरांत त्रेता युग में भगवान श्री राम स्वयं यहाँ पधारे हैं और जो पहले का साप लग चुका था माता अहिल्या को, उसी के उद्धार के निमित्त मात्र भगवान को अवतार लेना पड़ा। और अवतार लेने के उपरांत जब विश्वामित्र जी के साथ यहाँ बक्सर में पधारे तो ताड़का वध के उपरांत ही माता श्री का अहिल्या का उद्धार किया और साथ साथ जितने संत थे इस बक्सर में सारे संतों के दर्शन मात्र से अपने आप को पवित्र बनाने, क्यों? क्योंकि परित्राण आए साधु नाम, स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि हमारा अवतार संत महापुरुषों के लिए होता है। इसलिए भगवान इस धरती पर आकर के अनेक संतों के पास जा जा कर के दर्शन दिया और दर्शन किए और वहाँ अहिरौली में अहिल्या का उद्धार किया। जो गौतम ऋषि जी महाराज जो कि जन्मांध थे बचपन से ही, लेकिन गोमाता की सुरभि गोमाता की कृपा से उनके जीवन का अंधकार समाप्त हुआ, ठीक ना, गौ माता की कृपा से उनका तम यानी अंधकार समाप्त हुआ, जिसके कारण उनका नाम गौतम पड़ा, ठीक है। और तदुपरांत दूसरा स्थान ये नारद जी का, जहाँ स्वयं भगवान ने नारदेश्वर नाथ की स्थापना की, यहीं पर शिव जी के रूप में नारदेश्वर नाथ की भगवान ने स्वयं स्थापना की और यहाँ नारद की तपस्वी है, जहाँ स्वयं प्रहलाद जी महाराज ने शिक्षा प्राप्त की। इसलिए आज जो भी यहाँ रहें, दूसरा पड़ाव है, इसलिए जो भी यहाँ रहें कम से कम भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका उच्चारण जरूर करें। कम से कम 12 बार, वो भी नहीं होता तो 12 बार कम से कम जरूर भजन करें, तब जाकर के तीर्थों में रहने की कृपा प्राप्त होगी। आगे फिर कल जो पड़ाव है भार्गवेश्वर नाथ, जहाँ भगवान ने स्वयं लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा गंगा प्रकट बाण गंगा प्रकट किया और उस जल से भगवान का अभिषेक किया और वहीं स्थापना किया भार्गवेश्वर नाथ। इसलिए बक्सर बड़ी ऐतिहासिक स्थान है। आप सब भी भारतवासी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय श्रीमंदारायण। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा अवसर है। पंचकोसी मेला जो है बक्सर की पहचान है और ये एक ऐतिहासिक मेला है और दिन प्रतिदिन इसकी जो है सो संख्या में इसमें जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ती जा रही है। इसको हम लोग है सो बृहद रूप में पंचकोसी मेला को आने वाले समय में इसको और अच्छी तरीके से पिछले साल भी किए थे, इस बार भी है सो दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और भी जो व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग किए हैं यहाँ पर। साथ ही इस बार हम लोग ये पूरे जिले को ODF घोषित करना है हम लोग को 2 महीने के अंदर। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ है सो पांचों पड़ाव पर है सो ये पूजा पाठ जो डिफरेंट दिनों में होगा उसको हम लोगों ने स्वच्छता से भी जोड़ा है। स्वच्छता का पैगाम, बक्सर स्वच्छता संग्राम का पैगाम महात्माओं और ऋषि मुनियों के द्वारा है सो लोगों को दिया जा रहा है कि जीवन में जब तक स्वच्छता का कितना महत्व है, बिना स्वच्छता के है सो कोई भी काम है सो पूरा नहीं हो सकता है, चाहे वो धर्म का ही काम क्यों नहीं हो। इसलिए मन में स्वच्छता के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप शौचालय बनाएं, लोगों में स्वच्छता की भावना को जगाएं और इस मंच के माध्यम से आज हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है और काफ़ी महिलाएं इसमें उत्साहित दिखी हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मेले के बाद हम लोग 1 महीने के अंदर है सो शौचालय निर्माण जहाँ जहाँ हम लोगों ने नहीं किया है उसको कराएंगे और आश्वासन दिया है कि पूरे जिलों को ODF घोषित करने में है सो प्रशासन का मदद करेंगे। साथ ही प्रशासन के तरफ से भी जो जो कमियां हैं सो नज़र आ रही हैं, पेमेंट का मामला है और भी कोई है, उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को शौचालय बनाने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। धन्यवाद। रही है आज इसका दूसरा पड़ाव है। पंचकोसी मेला 5 स्थलों से होकर अपनी यात्रा को पूर्ण करती है। पहला कल हम लोग अहिरौली में अहिल्या का आश्रम पर थे,
और आज हम लोग नदाओं में नारद सरोवर पर हैं। यहाँ पर श्री नारद जी ने तपस्या की थी, जब भगवान को उन्होंने बंदर बनने का श्राप दिया था और बाद में अपनी गलती का जब उनको एहसास हुआ तो उसी गलती को दुरुस्त करने के लिए वो इस जगह पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की और भगवान की कृपा प्राप्त की। तो उसी स्मृति में भगवान यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस स्थान पर दूसरी यात्रा पूर्ण की थी। यहाँ के बाद भगवान तीसरे दिन भार्गव सरोवर भभुअर में गए, वहाँ भार्गवेश्वर महादेव मंदिर की पूजा की और भार्गव ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न थे इसलिए उनको दर्शन दिया। वहीं पर भार्गव ऋषि के कहने से श्री लक्ष्मण जी ने अपने तीर से एक सरोवर पैदा किया जिस सरोवर को हम लोग भार्गव सरोवर के नाम से जानते हैं और वहां पर भगवान को खिचड़ी दही और चूड़ा का प्रसाद खिलाया गया था। तो उसी स्मृति में कल तीसरे पड़ाव पर हम लोग दही और चूड़ा और नए गुड़ का प्रसाद खाएंगे। चौथे दिन यह यात्रा अंजनी सरोवर बड़का उन्नाव में जाएगी जहां पर भगवान हनुमान जी अपनी माता अंजनी के साथ भार्गव अंजनी सरोवर पर खेले थे और वहां पर उद्यालक ऋषि ने तपस्या की थी जिनके साथ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा की शादी हुई थी। तो चौथे दिन भगवान वहां गए थे लक्ष्मण और विश्वामित्र बाबा के साथ और पांचवें दिन पुनः वापस श्री चरित्र वन विश्वामित्र आश्रम में गए जहां लिट्टी चोखा का प्रसाद उन्होंने पाया। ऐसी ये पौराणिक यात्रा है, त्रेता युग से चल रही है और ऐसी मान्यता है कि जो लोग इन पंच दिवसों में इस यात्रा को उसी भाव से पूर्ण करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जरूरी बात ओही से संबंधित हमने के वो गीत है वो छोटा सा नाटक सबके दिखावा तनी जा हमरा उम्मीद